अक्षत, तुम ठीक हो ना? और अर्पिता कैसी है? बस हमेशा खुश रहो, मैं तो बस यही चाहती हूँ। अच्छा सुनो, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे जरूर बताना, ठीक है? इनका चेहरा साफ बता रहा है कि शायद ये अक्षत या अर्पिता से बात कर रही है। अरे आप कब आए? बस अभी। आपकी चाय भी तैयार रखी हुई है, लीजिए चाय पीजिए, लीजिए। थैंक यू। कुछ चाहिए आपको? नहीं कुछ नहीं। मैं आपके लिए बिस्किट लेके आती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। राजू जी आइए आइए, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। बैठे जी। तो आज अचानक यहाँ कैसे? भाई दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया। आपकी टिप्स की वजह से आज मेरा रेस्टोरेंट पॉपुलर भी हो गया और बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है। इसीलिए मैं ये मिठाई लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपका रेस्टोरेंट इतना अच्छा चल रहा है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपसे कही थी वो तो याद है ना? कौन सी? भाई सारे डिटेल्स पे आप खुद नजर रखिएगा। हाँ वो सब याद है भाई, मेरे रेस्टोरेंट में क्या चलता है मुझे सब मालूम है। और ये जो मेरा फोन है ना, इसमें हर 2 घंटे में डिटेल्स आती है। अच्छा हाँ। एक हंड्रेड वर्क टेबल नंबर 16, कौन हो सकता है? अम्मी तो हो नहीं सकती, आबास शहर से बाहर गया है, मतलब अक्षत ही होगा। अक्षत कहीं नहीं बल्कि जयपुर में ही है और अर्पिता उसके साथ है। आई एम श्योर अबाउट दैट। शर्त बनाए रखना और कोई गड़बड़ मत होने देना। अरे वाह अम्मी, बहुत प्यारी लग रही हो, कहीं जा रहे हो? बाबूजी हम लोग डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। वो मेरे एक जानकार है, उन्होंने नया रेस्टोरेंट खोला है, रिबोलिया। उन्होंने इनवाइट किया था तो हम सब लोग वहाँ डिनर पे चलते हैं। आज शाम को 7 बजे मैंने रिबोलिया रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर दी है। पर बेटा तुम्हें तो बाहर का खाना पसंद नहीं आता, फिर ये अचानक? वो बाबूजी मैंने सोचा कि पूरे परिवार को एक साथ बाहर गए हुए काफी टाइम हो गया, तो अच्छा हुआ कि हम सब लोग साथ में डिनर पे चले। मेरा तो वैसे भी नींद का वक्त हो जाएगा, तुम जाओ और एंजॉय करो। मैं साफी और प्रताप जी को भी बता के आती हूँ। जी। क्या जाने बाहर डिनर क्या बात हो सकती है। इन सबको इस वक्त मेरी बात अजीब लगी होगी, लेकिन मुझे पूरे परिवार को दिखाना होगा कि अक्षत और अर्पिता यही है। और ये बात मैं जानता हूँ। ओह नो, मेरी पहली डेट शुरू में से पहले खत्म हो गई, इतनी तैयारी की सब बेकार। ओह नो, अगर पापा को इस बारे में पता चल गया तो वो तो उसी रेस्टोरेंट में लेकर जा रहे हैं हमें, और राज वहां आ गया तो? किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बेझिझक कह देना। शो, अब तुम जाओ। जी भाई ऑब्वियस है, ये रेड शर्ट पहन के, ये डूड शूट बन के तुम सिर्फ हमें यहाँ लाने के लिए तो नहीं आए हो, ऑब्वियसली कहीं जा रहे होंगे, है ना? हाँ, एक्चुअली कहीं जाना तो था। अरे एक सूटकेस तो नीचे ही रह गया। मैं क्या था? तुम रहने दो, मैं ले आता। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कुछ नहीं बस यू ही। बड़ी अच्छी शर्ट पहनी है, कलर भी बहुत प्यारा है। शायद ये अवनी का फेवरेट कलर है ना?
क्या रियली? मुझे नहीं मालूम था। ओ अच्छा, तो शायद ये घड़ी भी ऐसे ही यूं ही पहनी होगी ना? हाँ एग्जैक्टली, मैं इसे हमेशा पहनता हूँ। अच्छा, राज तुम्हारा स्क्रीन सेवर? तुम हमेशा कहते थे ना कि अपनी की फोटो यहाँ तब लगेगी जब। ओ माय गॉड, इसका मतलब अपनी ने कह दिया। आई लव यू बोल दिया? कब, कहाँ? एयरपोर्ट पर। हमने आपके और अक्षत भैया के प्यार को बचा दिया ना, तो इस बात से वो इतना खुश थी कि अपने आप को रोक ही नहीं भाई। तुम दोनों के लिए मैं बहुत 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 खुश हूँ। और आज हमारी पहली डेट है, मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ। माय फोन प्लीज। क्या लिखा है, कुछ लवी दवी बताओ ना प्लीज। ओह नो, क्या हुआ? डेट कैंसिल, सुकेत सर फैमिली के साथ वही रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं। गॉड, पहली डेट और कैंसिल? नहीं होगी, हमारी फर्स्ट डेट होकर ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। बस कर, राज के बारे में इतना सोचेगी तो हर जगह वही दिखाई देगा। माँ अब क्या खाओगे? राज? सुकेत सर, भावना आंटी, सावरी बुआ, आप सब यहाँ। राज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नया रेस्टोरेंट खुला है तो हमने सोचा कि यहाँ का खाना ट्राई कर लेते हैं। यो। अरे आप लोग यहाँ? नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? वैसे ये कितना कमाल का संजोग है ना कि आप लोग यहाँ पे खाना खाने आए और हम लोग भी यहीं आ गए। हाँ एक बात तो है, कान्हा जी ना हम सबको मिलाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। हाँ वैसे मुझे पहले ही पता होता था। स्माइल करो अवनी, ये सैड फेस क्यों? तो और क्या करूं, हमारी पहली डेट ही कैंसिल हो गई, इतनी मुश्किल से तैयार हुई और अब। तुम इतने खुश कैसे हो सकते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? मैं अभी आया। आउच! सॉरी सॉरी, ये मेरी स्माइल की सजा है। नहीं, मैं बस देख रही थी कि तुम सच में यहाँ पे हो। राज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। तुम्हारे चेहरे की स्माइल लौटाने आया हूँ अपनी, हमारी पहली डेट के साथ। अच्छा कैसी होगी हमारी पहली डेट? हम दो मिनट मिलेंगे, बात करेंगे और फिर अपनी अपनी टेबल्स पर जाकर बैठ जाएंगे। ऐसी होती है पहली डेट? रिलैक्स आदमी, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि हमारी डेट होगी तो वो होगी। अच्छा कैसे, कहाँ? उस रिजर्व टेबल पर पूरी फैमिली के साथ? चलो मेरे साथ। अपनी कहाँ रह गई, मैं देख के आती हूँ।
अवनी तू कहाँ रह गई थी? खाना कब से आ गया? चल खा। मुझे नहीं खाना। हा? थोड़ा सा तो चख लेना। नहीं माँ, मेरा पेट भरा है। हा? अरे तूने तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं, तो ऐसे कैसे पेट भर गया? वो भूख नहीं लग रही। क्यों, कोई डाइटिंग शुरू कर दी तुमने? सब बेकार की बातें, खाना खाओ और खाना वेस्ट मत करना। कुछ नहीं राज, ये डेट ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम हमेशा ऐसे चुप चुप कर मिलते रहेंगे? नहीं अवनी, जिस दिन सुकेत अंकल अर्पिता और अक्षत के प्यार को एक्सेप्ट करेंगे ना, उस दिन हम अपने इस राज को खोल देंगे, लेकिन तब तक हमें ऐसे ही मिलना होगा और ऐसे ही छुप छुप के प्यार के मीठे मीठे पल एंजॉय करने होंगे। तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, तुम जाओ, मैं बिल पे करके आता हूं। वेटर। वक्त कम था लेकिन इस डेट का एक एक पल बहुत खूबसूरत था। राज ने सच में मुझे मेरी स्माइल लौटा दी। आई मस्ट हग हिम, थैंक यू कहना तो बनता है। डेट तो अच्छी रही, अवनी ने कितना रिस्क उठाया मेरे लिए, अब एक हक तो बनता है। ओह, अवनी शायद अवॉइड कर रही है, शायद उसे ये सही नहीं लगता। एक हक मिल जाता तो ये डेट परफेक्ट होती। कुछ कहा? नहीं तो अवनी मुझे एक। हाँ बोलो ना अवनी। नहीं पहले तुम बोलो। पहले तुम अवनी। बाय। अरे अवनी, तेरी ड्रेस में दाग, ये तो चॉकलेट का दाग लगता है। हमने तो मीठा मंगाया नहीं, तूने कहाँ खाया? वो एक्चुअली डिजर्ट हमने ऑर्डर किया था, अवनी हमारी टेबल के पास से गुजर रही थी तो इसको जबरदस्ती रोके ना मैंने ही इसको खिला दिया था। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई सांद्री जी, आश्रम से ना हमें भी अभी फोन आया था, उन्होंने हम दोनों को भी कल ही बुलाया है मिलने के लिए। सुन के इतनी खुशी हुई कि हम लोग ना सबको चॉकलेट पेस्ट्रीज खिला रहे हैं। ओके जी, अब हम लोग चलते हैं। आप लोग चलिए, मैं बिल दे के आता हूं। सर जी, बिल। सर हम आपके पास से कैसे बिल ले सकते हैं? देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली बार भी आऊं तो बिल तो देना पड़ेगा। लीजिए। अच्छा खुराना जी, उस टेबल पे जो लोग आने वाले थे वो आए नहीं? सर जिन लोगों ने बुकिंग की थी शायद उन्होंने अपना इरादा बदल दिया हो। रियली अवनी, तुम्हारे आने से जैसे मेरी जिंदगी में जाना गई है। और यही कहा था ना उस हीरो ने अपनी हीरोइन से, आजकल की फिल्में आई टेल यू हाउ सिली दे आर। राज ये तुम क्या कह रहे हो, कौन सी फिल्म? अक्षत भैया आपको पानी चाहिए? गुड नाइट। तो अक्षत भैया थे? नहीं, लेकिन अभी तो तुमने कहा कि अक्षत भैया। गलती से बोल दिया अवनी, एक्चुअली वो मेरे होने वाले साले जी तो है। ओ, तो अब रिश्ते भी बनाना शुरू कर दिए? जिस दिन ये रिश्ता बन गया ना अवनी, तो वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन होगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। ऐसी भी क्या जल्दी है,
पहले तो हमें हमारे लाइफ के वो सारे ओकेजन एंजॉय करने, जैसे कि कल का दिन जीजू और जीजू के लिए बहुत स्पेशल दिन है, मैं उनके लिए जरूर प्रे करूंगी। मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने जो लेकर रखे हैं और बहुत सारे। अरे पूजा बेटी कैसी हो बेटा, यही है आप लोगों की बच्ची। आजा। अच्छा मामा के पास जा। ओए राज, यही है आपकी खुशी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आज से ये बच्ची आपकी है। तो क्या हम इसे घर लेके जा सकते हैं अभी? जी हाँ, क्यों नहीं, बस कुछ पेपर साइन करने होंगे। आप लोग आइए मेरे साथ। ओ मैनेजर। सावरी संभालो अपने आप को। जरा यहाँ आना। एक्सक्यूज मी, इट्स ओके सावरी। नहीं जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये भी तो बात हुई, इस बच्ची को सबसे पहले मैंने बुक किया था। पूजा पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक, समझे आप? सावरी जी, बच्चा कोई कार या फ्लैट नहीं है जिसे पहले से बुक किया जाए। और फिर ये अनाथ आश्रम आपको बच्चा चुनने का हक नहीं देता। जो बच्चा हम देते हैं वही लेना पड़ता है। और एडॉप्शन में पूजा का नंबर पहले था और गोद लेने वालों में इनका, इसलिए बच्ची इनकी हुई। अरे मगर हम तो आश्रम में इनसे पहले आए थे ना, तो उस हिसाब से तो लाइन में हम इनसे पहले हुए। आप ये बच्चा इनको नहीं दे सकते, ऐसे कैसे आप इनको दे सकते हैं? पूजा पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक है, बोलिए ना प्रताप जी। हक तो आपका तब बनता जब आप इंटरव्यू में पास होती। कमेटी ने आपको फेल कर दिया है, आप बच्चा लेने के लायक नहीं, यही सच्चाई है। सावरी, सावरी, इट्स ओके सावरी। अभी मैं पूजा को अपनी बेटी बनाना चाहती। देखो ये देखो भाभी, मैं क्या क्या लेकर आई थी अपनी पूजा के लिए। देखो कितने सारे खिलौने हैं भाभी, वो जो मांगती ना, चाहे वो चीज कितनी भी महंगी क्यों ना हो, मैं उसे फौरन लाके देती, फौरन भाभी। तो फिर वो मेरे साथ खुश क्यों नहीं रह सकती भाभी? जो बच्ची मुझे चाहिए थी, जिसे देखकर मेरी ममता जागी थी, मेरी पूजा है वो, और उन्होंने मेरी पूजा को माधुरी को दे दिया। पूजा की माँ कहलाने के लायक मैं हूँ, तो माधुरी भी। बुआ साहब, आप उन दोनों को दोष क्यों दे रही है? उनकी क्या गलती है? और कम से कम हमें उस छोटी सी बच्ची के लिए खुश होना चाहिए कि वो इतने अच्छे घर में गई। और फिर अच्छी बात तो ये है कि वो यही जयपुर में है, आपके पास में है। देखिए ना, गोविंद जी ने अब तक उसे आपसे जोड़ कर रखा है। बुआ साहब, हो सकता है कि आपको पूजा मिल जाए। बुआ साहब, आप तो मेरी माँ सम्मान है, और मैं जानती हूँ कि आपसे बढ़कर कोई और माँ हो ही नहीं सकती। नहीं, मैं अब किसी भी बात से खुश नहीं हो सकती। मुझे बस इतना पता है कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ भाभी। हे गोविंद जी, बुआसा के साथ जो हुआ मैंने कहते कि अच्छा हुआ, लेकिन आई होप इस बात का असर मेरे और राज पर ना पड़े। इतनी जल्दी हो सके हमें पूजा के सारे खिलौने सावरी की नजरों से दूर कर देने चाहिए। वो जितना इन्हें देखेगी उतना ही तड़पेगी। मैंने उसे कितना समझाया भाभी साहब कि ऑर्फनेज के फैसले का इंतजार करे, जल्दबाजी ना करे, लेकिन आप तो सावरी को जानती हैं,
मेरी बात ही नहीं सुनती। रुक जाइए आप, बुआ सा कितने प्यार से, कितने मन से ये सब लेकर आई थी पूजा के लिए। अब पूजा इस घर में नहीं आ सकी तो क्या हुआ? ये टॉयज भी उसे नहीं मिलेंगे। नॉट राइट ना? तू बिल्कुल ठीक कहती है, ये पूजा के लिए आई थी उसी को मिलने चाहिए। सच? मतलब हम पूजा को टॉयज देंगे? हाँ, उसको जाके टॉयज दिया। मैं वहां जाऊं? बिल्कुल, तू ही जाएगी। इसी बहाने अक्षत और अर्पिता से भी मिल लेना। देखा, दूसरों को खुशी देने के बारे में सोचो तो अपनी खुशी दुगनी हो जाती है। एरोप्लेन उड़ाओगी? हाँ मामा, मैं एरोप्लेन से खेलूंगी। अच्छा, एक मिनट। ऐसे नहीं बेटा, आओ मैं दिखा दूँ कैसे उड़ाते अपने। कम 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 कम। अपनी अपनी तुम यहाँ? ये कैसे मैनेज कर लिया तुमने? मैं इस फैमिली के नए मेंबर के लिए ये सब गिफ्ट्स लेकर आई थी। माँ ने खुद मुझे यहाँ भेजा। सच्ची? ये तो बहुत 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 अच्छी बात है। और अम्मी, घर पे सब कैसे? कोई हमें याद करता भी है या नहीं? बिल्कुल भैया, सब आपको याद करते हैं, आपको और भाभी आपको भी। इनफैक्ट पापा तो सबसे ज्यादा आपको याद करते हैं। वो जानने की कोशिश करे कि आप लोग एक्चुअल में हो कहाँ, लेकिन मैं, बाऊजी, माँ और फूफा सा उन्हें नहीं बताएंगे। नहीं अम्मी, ये सही नहीं। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से डैड को और तकलीफ पहुंचे। दिस इज नॉट राइट। किसी अपने को खोने का डर जब दिल में जागता है ना अक्षत, तब प्यार की अहमियत पता चलती है, जैसे कि हमारे साथ हुआ। बहुत जल्द पापा भी समझ जाएंगे ये बात। यू राइट भाभी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे न जाने ऐसा क्या बना रहे कि मुझे ही किचन से निकाल दिया, और वो भी ऐसे जैसे दूध से मक्खी। अम्मी, व्हाट अ सरप्राइज। थैंक यू सो मच कि तुम आई। आज अगर मेरी इस खुशी में तुम शामिल नहीं होती ना, तो मैं तुम्हें बहुत मिस करती। जी जी, आपको बहुत 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 कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। पूजा कहाँ? वो पूजा राज के साथ है, ऊपर टेरेस पे खेल रही है। ओके। अवनी, लगता है जल्दी किसी दूसरे कमरे में आ गया। पर ये कमरा तो मेरा ही है, और इतना चकाचक कैसे? वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो यकीन करो और ध्यान से देखो, तुम्हारा कमरा ऐसा होना चाहिए। अवनी, ये सब तुमने किया? पर क्यों? क्योंकि जब मैं इस रूम में आई तो मुझे लगा कि ये कोई बड़ा सा डस्टबिन है। राज, एक भी चीज अपनी सही जगह पर नहीं थी। तुम ऐसा रखते हो अपना रूम? ऐसे नहीं चलेगा। ओके। सुना था मैंने कि ऐसा ही होता है, और अब मेरे साथ भी हो रहा है। क्या सुना था? क्या हो रहा है? लाइफ में गर्लफ्रेंड आ जाने के बाद ना, बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। तो अवनी, देखो मैं एक लड़का हूँ, और लड़के थोड़े केयरलेस होते हैं। सो व्हाट? सो व्हाट? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे लापरवाही का क्वालिटी है और उसके लिए तुम्हें मेडल मिलने वाला है। राज, ये तुम्हारा कमरा है, तुम्हें इसे साफ रखना चाहिए। देखो, हर चीज सलीके से रखी तो कितना अच्छा लग रहा है। तुम अगर अपना रूम ऐसे। एक मिनट, कुछ चीजें बिल्कुल सही है मेरे कमरे में, अभी दिखा दो। राज, ये तुमने क्या किया? तुम्हें तो सलीका पसंद है ना? अरे तुमने मेरी रूम के बाद और बिगाड़ दी। हाँ तो मुझे कपड़े फोल्ड करना नहीं आता राज, बाहर से तो सब कुछ क्लीन है ना। ये तुमने क्या किया? तुम अभी सब ठीक करो। क्या? मैं? ओ हेलो, मैंने अपने हिस्से की मेहनत कर दी थी। ओके, और तुमने उस पे पानी फेर दिया। अब अगर तुम्हें रूम बार बार बिगाड़ने की आदत है तो मैं क्या करूँ? मैंने रेसिपी बुक कहाँ रख दी? अवनी, वाह ऊपर वाले, यार चुनकर गर्लफ्रेंड दी है मुझे। लेकिन तुम सबसे अलग हो अपनी, इसलिए तुम मेरा प्यार। खाओ ना अपनी, खाना खाओ।
सावरी, तू लड़की कब से हो गई? अरे हाँ, कैसे अवनी? प्रैक्टिस करी थी मैं लेफ्ट हैंड से खाने की। वो मैनर देविका ने बेट लगाई है कि मैं लेफ्ट हैंड से खा सकती हूँ, वो भी फास्ट फास्ट। कमाल है यार बेटा, आजकल की शर्तें देखो क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग हूँ। कॉम्प्लेक्स दे रही है तू मुझे, ये भी कोई शर्तें लगाने वाली? आई स्वर, आप सही कह रहे हो भैया, इतनी स्टूपिड सी बैठे हैं और फिर ये नारी शक्ति की बातें करती है। व्हाट अ सिली बैट। ये लो तुम्हारे लिए, ये सारे खिलौने तुम्हारे लिए, खुश रहो। वैसे आप कितनी अच्छी और पूजा कितनी लकी है कि उसे आपका आशीर्वाद मिला। अरे सावरी जी, आप आइए ना प्लीज, आराम से बैठिए, मेरे साथ बैठो। अरे चलो चलो, मैं बिठाऊं? अब हाँ, आप पूजा से बातें कीजिए, मैं आपके लिए आइसक्रीम लाती हूँ। थैंक गॉड कि सावरी बुआ को पता नहीं चला कि अक्षत भैया और अर्पिता यही है ना। सावरी बुआ का दिल कितना बड़ा है ना, तो पूजा के लिए गिफ्ट लेकर आई। आज का दिन ही बहुत अच्छा है अपनी, तुम यहाँ हो ना इसलिए। मुझे लगा आज के स्पेशल दिन में तुम्हारा ना इम्पॉसिबल होगा, कितना मिस कर रहा था तुम्हें। राज, तुमसे इतना प्यार करती कि मेरी यहाँ आने की वजह अपने आप बन गई। नहीं अपनी, ये मेरे प्यार की ताकत है कि तुम्हें यहाँ खींच कर लेके आई। नहीं राज, मेरा प्यार ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए। ओ, तो तुम्हें मेरे प्यार पे शक है? नहीं नहीं, शक नहीं है, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती बस। सवाल ही नहीं उठता अवनी, इतना प्यार मैं तुमसे करता हूँ ना, उतना कोई भी किसी से नहीं कर सकता। नहीं राज, ऐसा नहीं है, तब मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, तुम उस लेवल तक ही नहीं पहुँचे हो अब तक। क्या मैं? हाँ तुम। एक मिनट, हाँ तानिया, हाँ हाँ बहुत दिन हो गए। नहीं नहीं, याद तो बहुत किया तुम्हें। व्हाट, वेडिंग का ऑर्डर? रियली? अरे बताओ कब लेने आओ। ग्रेट, ओके बाय। तुम्हें क्या हो गया? होना क्या, गलती मेरी है। आई लव यू से कह दिया तुम्हें, अब तो तुम्हें मेरी सारी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई ना राज। कहने को तो तुमने कह दिया कि मिस कर रहे थे और अब मैं जब भी अगर मुझे मालूम था तुम नाराज होती, मैं उससे बात ही नहीं करता। राज, मैं तुम्हें कभी नाराज नहीं करती, जब मैं तुम्हारे साथ होती तो मैं किसी और लड़के से बात करती हूँ। दिस प्रूफ दैट आई लव यू मोर। अवनी, सिर्फ तुम्हारे कहने से साबित नहीं होता, ओके? तुम्हारे कहने से प्रूफ हो जाता है। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और मैं भी जानता हूँ अवनी कि मैं गलत नहीं हूँ, ओके? राज, मुझे और कुछ नहीं सुनना, क्योंकि मुझे पता है कि सच क्या है। तुमने कह दिया और सच हो गया। तुम्हें एहसास दिलाना ही होगा अपनी कि मुझसे ज्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता। तो प्यार करने वालों में पहले ही टकरा, आज तो ये हो गया, लेकिन कल मैं राज को बता के रहूंगी कि मैं उससे ज्यादा प्यार करती हूँ। पहला झगड़ा था जीजू, मानता हूँ लवर्स के बीच ये सब होते ही रहता है, लेकिन आप देख लेना, हम दोनों के बीच पहली फाइट हुई है ना, मैं सही तुम गलत एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसे तो मैं ही जीतूंगा 100%। अरे उसके जीतने का कोई चांस ही नहीं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।